पूर्णिया से नारायणपुर तक और नारायणपुर से आगे साहिबगंज तक ऊपर स्लैब चढ़ा लिया गया है। अगर ब्रिज तो इसी तरह से लोग ऊपर जाते हैं क्योंकि इस मशीन से उतारा जाता है लोगों को, सीधे ब्रिज आएगा और ये सीधे आगे देख पा रहे होंगे कि सरिया यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे रात दिन दोनों काम चलता है, इसलिए इस तरह से घर बना के लोग रहते हैं। जो मशीन है यहाँ पे, ये सब मशीन आप लोग को देख लो। मैं आगे लिए चलता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ कैसे चल रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ स्लैब ऊपर से रास्ता है कि मैंने आप लोग को नीचे से दिखाया। अभी मैं ऊपर से जोड़ने का काम चल रहा है, उसके ऊपर मन की तरफ से आया हुआ रास्ता है। अगर रास्ता बनाया जाए और स्लैब, यही सब स्लैब को बीच बीच में भरा जाए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरह से आप लोग चैनल पे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत आभार हूँ। और जैसे कि मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ नेतला में, और तो नेतला में जो है ब्रिज बनाया जा रहा है, जैसे कि रेलवे ट्रैक है उसी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इस फोर लाइन की, तो ये फोर लाइन जो है दलन से आया हुआ। अगर बात करूँ तो इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर इस तरह से रास्ता आया हुआ है जो कि दलन के नीचे से बगल से रास्ता दलन चौक से निकाला गया, वो सीधे मनिहारी की और जाएगी नारायणपुर होते हुए। तो चलिए इसी के बारे में आप लोग को बताने आया हूँ। और मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ नया टोला में, और यहाँ पे कितना काम हुआ, और यहाँ पे भी ब्रिज बनाया जा रहा है, और फोर लाइन का भी कितना काम हुआ वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो है पूर्णिया से नारायणपुर तक जाएगा, और नारायणपुर से आगे बात करूँ तो नारायणपुर से आगे साहेबगंज तक, जो कि साहेबगंज मनिहारी में जो है गंगा ब्रिज भी बनाया जा रहा है। अगर बात करूँ तो जैसे कि आप लोग पूर्णिया से नारायणपुर तक और नारायणपुर से आगे साहेबगंज तक, तो 22 किलोमीटर हो जाता है नारायणपुर से साहेबगंज तक। और इधर बात करूँ तो 56 किलोमीटर पूर्णिया से नारायणपुर तक, और पूरे किलोमीटर की बात करूँ तो 70 से 80 किलोमीटर होने वाला है। और प्रोजेक्ट की बात करूँ तो जैसे कि लागत की, तो जो नारायणपुर से साहेबगंज तक है वो 1900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, और इधर दोनों मिला के 3800 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है, जो कि जिसमें बहुत सारा ब्रिज भी आता है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारा रेलवे ट्रैक है तो बहुत सारा ब्रिज भी आता है। तो यही आप लोग को दिखाने आया हूँ। अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ नया टोला में, और ब्रिज जो है बहुत मनिया में भी ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके आगे भी बहुत ब्रिज बनाया जा रहा है। तो हर एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को थोड़ा प्यार दे। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर किस तरह से काम चल रहा है, हर एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ और कितना काम हुआ फिलहाल नया टोला में, क्योंकि नया टोला में भी ब्रिज बनाया जा रहा है, और ब्रिज बहुत जगह बनाया जा रहा है, इसलिए इसका जो है खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए दोनों मिला के मैं बात करूँ तो 3800 करोड़ की लागत से यह फोर लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अगर बात करूँ तो यह फोर लाइन जो है दो जिला ही नहीं बल्कि दो राज्यों को जोड़ेगी। जैसे कि पता है आप लोगों को साहेबगंज में गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है मनिहारी साहेबगंज में, तो वो जो है इसी फोर लाइन से कनेक्ट होने वाला है, जो कि दो राज्यों को भी जोड़ेगी दो जिला के साथ साथ। तो लिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को कितना काम हुआ और कितना काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो सीधे आप लोग को लिए चलते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी हूँ नया टोला में, और नया टोला में जो इस तरह से ब्रिज जो है बनाया जा रहा है, क्योंकि बात करूँ तो इसके नीचे भी एक रेलवे ट्रैक है, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। तो जैसे कि ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी बात करूँ तो इस तरह से चढ़ने की व्यवस्थाएँ ये सब मशीन से किया गया है। इस मशीन को आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी मशीन से लोग ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो ऊपर स्लैब चढ़ा लिया गया है। अगर ब्रिज की बात करूँ तो लगभग 70% काम हो गया है, 30% काम बचा हुआ है। और आगे बात करूं तो आगे स्लैब का भी काम हो गया है, स्लैब को जो है ऊंचा कर लिया गया है, क्योंकि यह ब्रिज का काम हो जाने के बाद सीधे इसे जोड़ दिया जाएगा। स्लैब के अंदर भी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, और आगे भी दिखाता हूं, आगे भी काम चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। ये जो मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन से लोगों को ऊपर ले जाया जाता है, जो भी लोग काम कर रहे हैं ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया थोड़ा सा कि किस तरह से लोग ऊपर चढ़ते हैं। अगर बात करो तो इस तरह से आप लोग को फोर लाइन देखने को मिल रहा होगा, और यही रेलवे ट्रैक है, इसी के ऊपर जो है बनाया जा रहा है ब्रिज को। तो आगे भी काम चल रहा है, तो चलिए और भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रिज जो है काफी ऊंचा है, तो इसी तरह से लोग ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने का साधन नहीं है, तो इसी पर चढ़ के लोग ऊपर जाते हैं। और इस तरह से काम फिलहाल ऊपर चल रहा है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग। तो वो जो नीचे से ऊपर गए, देखिए किस तरह से उतरेंगे। और ये मशीन जो जिस मशीन से ऊपर लोगों को भेजा जाता है, इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से इस मशीन से उतारा जाता है लोगों को। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ये जो देख रहे हैं इस तरह से लोग ऊपर चढ़ते हैं और नीचे भी आते हैं, जिनका काम हो जाता है, क्योंकि शिप चेंज होते रहता है, इसलिए। तो आप लोग ब्रिज देख सकते हैं, इतना लंबा ब्रिज यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा।
ब्रिज जो है बन जाने के बाद यहाँ पे भी काफी शानदार लगने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग ब्रिज, और आगे बात करूँ तो आगे भी फोर लाइन के लिए काम चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग फोर लाइन के लिए जो है स्लैब से ऊंचा ऊंचा किया जा रहा है, उसके अंदर जो है मिट्टी भराई का काम चलेगा। और सीधे ये रास्ता आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सीधे नारायणपुर तक मनिया होते हुए जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इधर से जो है रास्ता पूर्णिया से होते हुए रास्ता इधर आता है, और इधर सीधे मनिया होते हुए नारायणपुर से आगे मनिहारी तक जाएगा। आप लोग ये सीधे ब्रिज आएगा और ये सीधे आगे देख पा रहे होंगे, क्योंकि इधर भी स्लैब जो है लगाया जा रहा है चारों बगल से, और बीच में मिट्टी भरने का काम चल रहा है। तो इस तरह से मिट्टी आप लोग देख सकते हैं, और ये सीधे मनिहारी की ओर, नारायणपुर होते हुए मनिया होते हुए सीधे मनिहारी की ओर जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो उधर से रास्ता जो दलंग चौक से होते हुए, पूर्णिया से होते हुए सीधे आया हुआ है, और ये ऊपर जब बन जाएगा तो इस तरह से मिट्टी भरने का काम देख सकते हैं, इस तरह से स्लैब को लगाया गया, इसी स्लैब को ऊंचा किया जाएगा और ऊंचा करके मिट्टी भरने का काम किया जाएगा। उसके बाद ये स्लैब सीधे नीचे उतरेगा और सीधे इसे आते हुए मनिहारी की ओर जाएगी। तो इस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो आगे आप लोग को और भी दिखाते हैं, क्योंकि जो आप लोग को मैं बता दूं, ये जो है इस तरह से सड़क बनने वाला है, जो कि काफी सुंदर सड़क बनने वाला है। बिहार की बात करूँ तो बिहार का ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि दो जिला के साथ दो राज्यों को जोड़ना कोई छोटी प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये बन जाएगा तो आपको जैसे कि मनिहारी तो जाना आसान होगा ही, मनिहारी के साथ साथ लोग आप सीधे साहिबगंज में भी जा सकते हैं। झारखंड दो राज्यों को जोड़ने के बाद लोग जो है झारखंड के लोग, साहिबगंज के लोग सीधे पूर्णिया भी जा सकते हैं, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में भी बहुत सारा बिजनेस है, तो लोग झारखंड जाके बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो है मैं बता दूं आप लोगों को कि साहिबगंज से बहुत सारा गिट्टी बालू का जो है वहाँ पे उत्पाद किया जाता है, तो उधर से आने में आसानी होगी, फोर लाइन बन जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा महंगा दिया जाता है, क्योंकि पानी से लाया जाता है तो महंगा दिया जाता है। तो फिलहाल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सड़क, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया जा रहा है। ये सब स्लैब जो आप देख रहे हैं, इसी सब स्लैब को बगल बगल जो है लगाया जा रहा है, इसी को ऊंचा किया जाता है, और ये सब मिट्टी भरने का काम चलता है, उसके बाद सड़क को ऊंचा किया जाता है, क्योंकि आगे से जो है ओवरब्रिज आया हुआ है, इसलिए इसको काफ़ी ऊंचा किया जाएगा, नहीं तो ऊंचा नहीं होने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको काफ़ी ऊंचा किया जाएगा। और आगे पोखर है, वहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग आगे पोखर, इसलिए आगे भी ओवरब्रिज एक स्मॉल सा बनाया जा रहा है, ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। और आगे हल्का पोखर है, तो उसके ऊपर स्मॉल सा एक फ्लाईओवर, ये सब देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये सब काम चल रहा है। गिट्टी बालू सरिया यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोग, यही सब ऊपर ले जाके ऊपर लगाया जाता है ये सब सरिया, यहाँ पे रात दिन दोनों काम चलता है, इसलिए इस तरह से घर बना के लोग रहते भी हैं यहाँ पे। इस तरह से सरिया को जो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से बना बना के ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद ऊपर लगाया जाता है, और इसी मशीन से लोगों को ऊपर ले जाया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा है यहाँ पे मशीन, ना यहाँ पे उतना मशीन देखने को नहीं मिल रहा है, ये सब मशीन है यहाँ पे, ये सब मशीन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और यही सब मशीन से काम चल रहा है, ऊपर सरिया को ले जाया जाता है। ये मशीन जो देख रहे हैं, ये मशीन अद्भुत है, इसी से जिनको ऊपर काम करना रहता है इसी से ऊपर ले जाया जाता है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे इसी से ऊपर ले जाया जाता है, और इसी पे जो है ये जो देख रहे हैं इसी में खड़ा होने के बाद सीधे ऊपर ले जाया जाता है इसी से। ये सब जनरेटर भी यहाँ लगाया गया है, क्योंकि लोगों को ऊपर जरूरत पड़ता है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है, इस तरह से आप लोग को ब्रिज देखने को मिल रहा है, इस तरह से स्लैब, और मैं आगे लिए चलता हूं और आपको आगे दिखाता हूं आगे कितना काम हुआ है। और इस तरह से स्लैब को ऊंचा किया जा रहा है, ताकि स्लैब को ऊंचा ऊंचा करके जैसे कि ये आएगा और इधर से आने के बाद सीधे नीचे आएगा,
और आगे फोर लाइन जो बन रहा है सारे में जोड़ा जाएगा। अगर बात करो तो इस तरह से स्लैब को काफ़ी ऊंचा बनाया गया है क्योंकि ओवरब्रिज के आसपास स्लैब से भर के ऊंचा बनाया ही जाता है ताकि आगे सड़क में मिलाने में आसानी हो। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं फ़िलहाल दलहन के तरफ जा रहा हूँ तो ये दलहन से आया हुआ रास्ता है, इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आगे बहुत सारा स्लैब भरा गया है और स्लैब भरने का काम आगे और भी चलेगा क्योंकि अभी बीच बीच में थोड़ा बहुत रास्ते के लिए छोड़ा गया है क्योंकि हो सकता है यहाँ भी एक ब्रिज के लिए बनाया। कैसे चल रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ, तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी क्या कीजिए वीडियो को और लाइक भी। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, यही ब्रिज है। और अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा और इस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए स्लैब ऊपर से आया हुआ रास्ता है स्लैब, इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से स्लैब से जोड़ा गया और इसी ओवरब्रिज को जो है इस स्लैब में जोड़ा जाएगा। और ये ओवरब्रिज जैसे कि मैंने आप लोग को नीचे से दिखाया, अभी मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ और इसी रास्ते को जोड़ा जाएगा और आगे भी स्लैब जोड़ने का काम चल रहा है, उसके ऊपर मिट्टी भराई का काम चल रहा है। तो अभी यहाँ भी काम के ओवरब्रिज की बात करो तो ओवरब्रिज में लगभग 70-80% काम हो गया और स्लैब की बात करो तो कहीं कहीं स्लैब भरा गया और कहीं कहीं नहीं भी। और इस ब्रिज के आगे जो है स्लैब उतना नहीं भरा गया है, आगे भी काम चल रहा है तो अभी काम इधर बचा हुआ है। अगर बात करो तो ये ओवरब्रिज का तो काम हो गया 80%, लेकिन ये सब बात करूँ तो ये सब काम अभी बचा हुआ है क्योंकि सबको फिनिशिंग देते देते अगर बात करूँ तो इसका ऐसे लक्ष्य रखा गया इस फोर लाइन का कि 2024 तक पूरा कर लिया जाए। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैं कम से कम 2 से 3 तल्ले ऊंचाई पे हूँ, तो इस स्लैब को ऊँचा किया जा रहा है क्योंकि ये ब्रिज को इसमें मिलाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये सब स्लैब आप लोग देख सकते हैं नीचे नीचे धीरे धीरे मैं और नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है स्लैब बना बना के, क्योंकि जो भी ओवरब्रिज होता है ओवरब्रिज के बाद इस तरह से बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो इसका लक्ष्य रखा गया इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाए क्योंकि अगर सब चीज़ सही रहा तो 2024 तक ये काम पूरा हो ही जाएगा, साहेबगंज और पूर्णिया को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए अभी काम तो चल ही रहा है हर एक जगह, मैं बात करूँ तो दिन रात दोनों काम चल रहा है। इस तरह से आप लोग को देख सकते हैं स्लैब देखने को मिल रहा है, इधर भी देख सकते हैं अभी मैं दलहन साइड हूँ, इस तरह से स्लैब को भरा जा रहा है, इस तरह से देख सकते हैं स्लैब कितना ऊंचा है। इसी के ऊपर मैं आगे गया था और उसी के ऊपर ऊंचाई तक चढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कितना ऊंचा स्लैब है। और इस तरह से आप लोग को एक बगल से भी रास्ता देखने को मिल रहा होगा, अभी फिनिशिंग होने के बाद ऊपर से ही रास्ता रहेगा लेकिन नीचे भी एक रास्ता हो सकता है क्योंकि अगल बगल जो है बहुत सारा घर है। अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्लैब जो है काफ़ी ऊँचा है और यहाँ भी मिट्टी भरने का काम चल रहा है और स्लैब के अंदर भी मिट्टी भरने का काम चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं दलहन की तरफ जा रहा हूँ तो ये दलहन में जोड़ दिया जाता है, उतना दूर तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस तरह से उतना दूर नहीं जा सकता हूँ, जितना दूर जा सकता हूँ उतना आप लोग को दिखाता हूँ। आगे देख सकते हैं बहुत सारा स्लैब को रखा गया है, ये देख सकते हो मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और इधर मैं दिखाऊँ आप लोग को आगे दलहन की ओर है रास्ता जुड़ा हुआ। अगर बात करूँ तो इधर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से रास्ता बनाया गया है और स्लैब आप लोग देख सकते हैं, स्लैब जो है आप लोग स्लैब को देख सकते हैं, स्लैब जो है काफ़ी ऊंचा बनाया गया है इस तरह से और ये दलहन की ओर जाता है। और मैं फिर से क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आगे अभी वापस हो रहा हूँ और आगे आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरह से स्लैब जो स्लैब देख सकते हैं, यही सब स्लैब को बीच बीच में भरा जाता है। ये सब स्लैब जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा सा स्लैब है और इसको भी मशीन से उठा के इस तरह से स्लैब को फिनिशिंग में लाया जाता है क्योंकि उसको सही से मिलाना पड़ता है, नहीं तो गिरने की संभावना होती है, इसलिए उसको सही से इस तरह से आप लोग को भर भर के मिट्टी बनाया जाता है। और ये सब जितना भी स्लैब देख रहे हैं ये सब को भी यूज में लाया जाएगा, तो फिलहाल इस तरह से आप लोग को काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा होगा। और ये अगर मैं बात करूँ तो यह बन जाने के बाद फोर व्हीलर दो जिला ही नहीं बल्कि दो राज्यों को जोड़ा जाएगा, जैसे कि मैंने बताया सीमांचल के लोगों को काफ़ी आसानी होगी बिजनेस करने में और साहिबगंज के लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी बिजनेस करने में क्योंकि लोग जो है अभी मनियारी में नदी से आते जाते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी दिक्कत करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आसपास इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा ये सब। अभी फिर से मैं वापस आ गया, तो चलिए आज के लिए यही तक, जय हिंद, फिर मिलते हैं आप लोगों से, प्यार बनाए रखिए इसी तरह चैनल पे। और चलिए तो आज के लिए यही तक, जय हिंद, फिर मिलते हैं आप लोगों से।